हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैब गुरु चैनल। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सभी आप सभी को पता है कि आज रुचि सोया इंडस्ट्रीज और स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चाएँ में रही हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और आगे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो सारा डिटेल इस स्टॉक के बारे में जानते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो ये रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ है जो कि एडिबल ऑयल्स सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 9.80 रुपये का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी, तो काफ़ी सही प्राइस पर भी है ये। और इसी के बारे में हम लोग जानते हैं और इसको ये कंपनी सेल होने वाली थी, इसको कौन कौन कंपनी लेने में आगे बढ़ी और किसके हाथ लगा ये कंपनी, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका फ्यूचर कैसा रहेगा उसके बारे में जानेंगे हम लोग, हम लोग को इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, सेफ़ रहेगा, ये रिस्की रहेगा, सब जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियोज़ को पूरा देखें और कंप्लीट देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी हमारे व्यूअर्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। यहाँ पे डिटेल में दिखाता हूँ, जो रुचि सोया लॉक्ड एट 5% अपर सर्किट एज लेंडर्स अप्रूव अदानी विल्मर्स 6000 करोड़ बिड। यहाँ पे देखिए कि जो इसका लेंडर्स ने अप्रूव कर दिया है कि अदानी विल्मर्स को ये अदानी विल्मर्स ने इसे 6000 करोड़ में इस कंपनी को ख़रीद लिया। तो ये न्यूज़ आते ही कंपनी में करीब 5% का अपर सर्किट लगा था। ये न्यूज़ 24 अगस्त का है। तो उसके बाद इसमें स्टॉक में काफ़ी गजब का तेज़ी दिखा, और चूंकि ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन इस कंपनी में लॉस कंटिन्यूसली होते जा रही थी और काफ़ी डेट आ गई थी कंपनी के ऊपर, जिसके वजह से इसका ये कंपनी स्टॉक ऊपर नहीं जा रही थी, लगातार नीचे आ रही थी, जिसके वजह से कंपनी को चलाना मुश्किल हो गया था। तो कंपनी फाइनली सेल के कगार पर पहुँच गई अपने कर्ज के वजह से। तो इस कंपनी को ख़रीदने के लिए दो प्लेयर मार्केट में आए, जो कि एक आप सभी को पता है कि अदानी विल्मर्स थे और दूसरा अदानी विल्मर्स जो है कि एक दो कंपनी इसमें, एक अदानी ग्रुप है और विल्मर्स एक इंडिया से बाहर की कंपनी है और दोनों का कोलैबोरेटेड ग्रुप है। तो ये कंपनी और पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी दोनों इस स्टॉक को ख़रीदने में आगे आए थे, जिसमें फाइनली अदानी विल्मर्स को ये कंपनी हाथ लगी। और यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि उसके बाद कंपनी में अपर सर्किट 5% का लगी, भले ही आज इसमें लास्ट फ्राइडे को इसने फिर ऑलमोस्ट 5% का इसमें लोअर सर्किट लगा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर पेंडिंग बायर्स बाय ऑर्डर्स ऑफ इतना करीब 3,89,359,359 शेयर्स जो है, जिसका अभी कोई बायर नहीं सेलर नहीं मिल रहा है, तो अवेलेबल है इतना शेयर। और लेंडर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड 6000 करोड़ बिड ऑफ अदानी विल्मर्स टू एक्वायर द डेट रिडन एडिबल ऑयल फॉर्म। अदानी विल्मर इमर्ज हाईएस्ट बीडर ऑफ 6000। यहाँ पे क्या था दोस्तों कि अदानी ग्रुप ने यहाँ पे 6000 का बोली लगा कि इस कंपनी को ख़रीद लिया, जहाँ पे पतंजलि ने करीब लास्ट बोली जो उसने लगाई थी करीब 5700 करोड़ का पतंजलि लगाया था और अदानी 6000 करोड़ का हाईएस्ट बोली लगाकर अपने झोली में स्टॉक को ले लिया, ये कंपनी को ले लिया। और उसके बाद से इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला और काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक के बारे में बना कि इसका फ्यूचर काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ी ग्रुप है, वो भी एक एडिबल ऑयल सेक्टर में काम करती है, जैसे कि फॉर्चून है, फॉर्चून अदानी ग्रुप की काफ़ी अच्छी ब्रांड है, जो कि एक ऑयल जो है कि वो मार्केट में काफ़ी, वो भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो उनके लिए ये कंपनी मिलने के बाद काफ़ी जो दो प्लेयर मिल जाएंगे एक साथ, तो
और मार्केट में एक लीड करेंगे, तो दोनों कंपनी के लिए काफ़ी काफ़ी बेहतर होगा, बेटर होगा। इधर रुचि गोल्ड, रुचि सोया के लिए भी काफ़ी सही रहेगा, ये भी इंडिया में बिग प्लेयर है और एडेबल ऑयल से, और उधर फॉर्च्यून है, दोनों को अगर कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो काफ़ी धमाकेदार होगा ये। तो यहाँ पे फाइनली जो बीड है वो कंप्लीट हो चुकी है अदानी के साथ रुचि सोया गोल्ड। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रुचि सोया गोल्ड के पास कौन से ऐसे ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिसका मार्केट में वैल्यू क्या है और आगे कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में काफ़ी फेमस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर महाकोश देख सकते हैं। महाकोश में यहाँ कई तरह से कई वैराइटीज़ हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि महाकोश है, सोयाबीन है, कॉटन सीड है और ग्राउंड नट है। यहाँ पे सनरिच ऑयल्स भी काफ़ी अच्छा इनका प्रोडक्ट रहा है। और दूसरा देखते हैं न्यूट्रला, न्यूट्रला भी इससे रुचि सोया गोल्ड, रुचि सोया का काफ़ी अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड है जो कि इंडिया में काफ़ी बहुत ज़्यादा सेल्स है, इसका सेल काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए फूड्स में न्यूट्रला चंक्स जो छोटी, न्यूट्रला में भी एक छोटी क्वालिटी, छोटी स्मॉल चंक्स जो आता है और उसका भी मिनी चंक्स बोलते हैं, न्यूट्रला का सबसे स्मॉल साइज़ का होता है ये। तो ये दो तीन प्रोडक्ट इनके तो काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी शानदार है ये प्रोडक्ट, ये तो इनका भी डिमांड काफ़ी है। तो ये दो तीन ऐसे प्रोडक्ट है जिनको इसके प्रोडक्ट इस स्टॉक को काफ़ी ऊपर ले जाएगा। अब तो इस स्टॉक का डूबने का बस एक ही रीज़न रहा कि इस पर कर्ज था, बाकी इसके अलावा सब कुछ बढ़िया है, हर क्वालिटी बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। तो इनको कर्ज मैनेज ना करने की वजह से ये स्टॉक को, इस कंपनी को बिकना पड़ा और अब ये काफ़ी बड़ी कंपनी के हाथ आ गई है। तो दो बड़ी कंपनी, अडानी एक बड़ी कंपनी है और रुचि सोया गोल्ड के पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने से अब क्या हुआ कि मार्केट में इनका सेल्स बढ़ेगा और स्टॉक भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी कुछ अभी बहुत बढ़िया टाइम है इसमें, स्टॉक प्राइस भी काफ़ी नीचे हैं, तो इसमें हम लोग धीरे धीरे करके कुछ क्वांटिटीज़ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि अचानक इसमें बहुत सारा पैसा लगा दें, सपोज़ करें 2-4-5%, हाईएस्ट 5% ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिस्की है स्टॉक में। तो धीरे धीरे करके लगाएं, देखें इसमें आगे कैसे ग्रो हो रहा है, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके 1,000-2,000 रुपये कर करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाएं, एक SIP के तौर पे इन्वेस्ट करें, हर महीने देखें इसका मूवमेंट, क्योंकि अभी आप इसमें देख सकते हैं कभी 5% अपर सर्किट लगेगा, कभी 5% लोअर सर्किट लगेगा। तो जब जब डाउन जाए इसमें आप धीरे धीरे कुछ क्वांटिटीज़ में ऐड कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो प्लांट है, चूँकि काफ़ी कई लोकेशन में इनका प्लांट है, लेकिन कुछ प्लांट का मैं यहाँ पे आपको गैलरीज़ में पिक्चर दिखा रहा हूँ कि इनका प्लांट कैसे काम करता है। इस तरह का काफ़ी अच्छा प्लांट है इनका, और काफ़ी कंपनी तो काफ़ी नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन कर्ज की वजह से डूब गई है। तो प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि इसका सही रहेगा, और ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी के हाथ में चली गई है, तो जिसके वजह से भी इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है काफ़ी स्मॉल है, 328 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका करंट मार्केट प्राइस 9 रुपये 80 पैसे का मार्केट प्राइस है। तो बिल्कुल सही टाइम पे फेयर वैल्यू है, रिजनेबल प्राइस है। धीरे धीरे करके हम लोग अपने पोर्टफोलियो में इसका ऐड करेंगे क्वांटिटीज़, तो बढ़िया रहेगा, अचानक एक बार पैसा नहीं लगाएं और धीरे धीरे करके हर मंथली बेसिस पे इसमें क्वांटिटीज़ ऐड करते जाएं। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें कंपनी में कैसे लॉस होना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 2011 में इस कंपनी में देख सकते हैं आप 225 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 12 में 86 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 273 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद अचानक 1 करोड़ से भी नीचे आ गई प्रॉफिट, उसके बाद फिर 15 में 80 करोड़ का प्रॉफिट था। ये लगातार 4-5 साल कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, उसके बाद भयानक लॉसेस में कंपनी चली गई, 1200 करोड़ का लॉसेस, यहाँ पर 1300 करोड़ का लॉसेस कंसोलिडेटेड में था। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर डेट देखते हैं कंपनी का, यहाँ पर देखिए कंपनी का ऑलमोस्ट 5 सालों में लगभग 5.5 हज़ार करोड़ का इसने कंपनी के ऊपर हमेशा कर्ज रहा, जिसके वजह से कंपनी कर्ज के भार तले दब चुकी है और जिसके वजह से इसको बिकना पड़ा है। यहाँ पे अगर स्टैंड अलोन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कि कंपनी ने लगातार 4-5 साल शुरुआत में तो परफॉर्मेंस सही था, उसके बाद इस कंपनी का
जो है कि हाल बहुत खस्ता होते चला गया और आखिर करके कर्ज में डूब कर कंपनी ने बिकी। तो अभी कंपनी के पास जो है 48% का शेयर होल्डिंग था, प्रमोटर होल्डिंग था, और बिकने के बाद 38 के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग चला गया है, जिसके वजह से अभी इसका मार्केट प्राइस हो सकता है तो कुछ और नीचे जा सकता है। जैसे कि अपने लास्ट फ्राइडे को देखा कि इसने 5% नीचे गया है, क्योंकि अभी इनका कुछ और शेयर जो है वो अभी बिकना है, तो जिसके वजह से मार्केट इसका थोड़ा सा डाउन जाएगा, जिसमें हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ है कि उसमें हम लोग अपने इसमें अपने पोर्टफोलियो में इस क्वान्टिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों रुचि सोया गोल्ड, एक पेनी स्टॉक है, तो इसमें धीरे धीरे अपना पोजीशन बना सकते हैं और थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन संभल के रहना है, अचानक एक बार पैसा नहीं लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।